पूजे सब्जी मा। मैं अनपढ़ तो हूँ, अनपढ़ नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात कर, इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। भाजपा तेरे राज में कहाँ से आई? ये मुल्क इतिहास चाहता है, और इतिहास जो हो सकता है वो मुफ्त सोच सकता है, नफरत से नहीं हो सकता। भाई पहले भी लोग रहे हैं इस हिंदुस्तान में, हर मजहब के लोग रहे हैं, मिल के रहते, किसी को कोई इतराज नहीं था, किसी के मजहब में दखल दे नहीं कर सकते। तो बेमौसम बारिश में भीग कर टमाटर गुस्से में और भी लाल हो गया है, और किचन से टमाटर गायब हो गया है, धीरे धीरे चुपके चुपके। बेमौसम बारिश का मैंने जिक्र किया, लेकिन टमाटर को लेकर अब सियासत भी हो रही है, ना सिर्फ टमाटर को लेकर बल्कि तमाम सब्जियों को लेकर। टमाटर की फसल को हुए नुकसान के चलते इसके उत्पादन में भी भारी गिरावट आई, उसके चलते महीने भर में इसकी कीमत आसमान पर पहुंच गई है, दिल्ली से मध्य प्रदेश तक, यूपी से पंजाब तक। मंडियों में टमाटर 80-90-100 है ना, 80-90 पूरे 100, जबकि फुटकर में 100 के पार। टमाटर की कीमतों पर महंगाई की मार ने रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। आलू प्याज टमाटर ऐसी सब्जियों में शामिल है जो लगभग हर रोज हर घर में इस्तेमाल होती है। महीने भर के भीतर ही टमाटर के भाव में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एक और जहां थोक मार्केट में यह 65 रुपए से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो रिटेल में इसकी कीमत ने शतक लगा दिया। महीने भर पहले यही लाल टमाटर रिटेल में 10 से 20 रुपए तक बेचा जा रहा था, वही बीते 2 हफ्ते पहले इसकी कीमत बाजारों में होलसेल में 30 से 35 रुपए और रिटेल में 40 से 45 रुपए प्रति किलो थी। इस हिसाब से देखें तो अब इसका भाव दोनों ही मंडियों में लगभग दोगुना हो चुका है, दोगुना। दिल्ली में 1 किलो टमाटर 70 से 100 रुपए, तो मध्य प्रदेश इंदौर भोपाल जैसे शहरों में 100 के पार। यही हाल कमोवेश इस वक्त तमाम राज्यों में देखा जा रहा है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी अब इस पर ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं टमाटर 140 रुपए किलो, फूलगोभी 80 रुपए किलो, तुअर की माल जो दाल है वो 148 रुपए, अरहर की दाल 219 रुपए किलो। गैस के सिलेंडर का भी जिक्र है 1100 के पार, और कटाक्ष वही
पूंजीपति दोस्तों को मदद पहुंचाना तमाम आरोप। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी कल भोपाल में महंगाई की लिस्ट पढ़ी, लेकिन वो लिस्ट भी पहले की लिस्ट की तरह किसी ने गलत बना दी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 108 रुपए लीटर और टमाटर के दाम 100 रुपए किलो, दाल के दाम 150 रुपए किलो, रसोई गैस 1100 के पार। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यानी ट्वीट के जरिए महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। यानी बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि महंगाई काबू में है, विकास दर बढ़ रही है, और विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। फिर आखिरकार सच्चाई क्या है? कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या टमाटर को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, या फिर जो दावे हैं बीजेपी के उन दावों में दम है। पहले तीन बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मित्रों, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट से बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं, मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं, इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। किलो का टमाटर मिलेगा तो वोट तो बहुत कीमती चीज है, वोट की तो बेकीमत है वोट। तो अगर वोट वोट तुम यहाँ टमाटर ये कराओ या अपनी मर्जी से मजहबी में दखल देकर आपस में डिफरेंसेस पैदा करो तो इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा, आपस में दूरियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए ये मुल्क इत्तेहाद चाहता है, और इत्तेहाद जो हो सकता है वो मोहब्बत से हो सकता है, नफरत से नहीं हो सकता। भाई पहले भी लोग रहे हैं इस हिंदुस्तान में, हर मजहब के लोग रहे हैं, मिल के रहते थे, किसी को कोई इतराज नहीं था किसी के मजहब में दखल देने का। अरे उनको पूछो ना कि पहले रोजगार कैसे दोगे यार, महंगाई कैसे घटाओगे, पहले उस पर बात करो ना। दरअसल एक तरफ यूसीसी का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ महंगाई का, जहां एक तरफ मोदी सरकार यूसीसी पर अपना रुख साफ कर रही है और देश में एक संविधान एक कानून का जिक्र कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई के बहाने सरकार पर सियासी तीर छोड़ रहा है। और सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त लाल टमाटर पर हो रही है। अब टमाटर को लेकर सियासत का एक अलग पहलू भी है। याद कीजिए, इससे पहले प्याज को लेकर ही जमकर सियासत हुई, प्याज ने खूब आंसू रुलाए और फिर उसके बाद लाल टमाटर का नंबर आया। लेकिन तर्क यह भी है कि बेमौसम बरसात और मौसमी, जब मौसम की मार होती है तो यह आग लगती ही लगती है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या टमाटर को वाकई सिर्फ सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ चार मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ जी कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, ओंकार जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, और परमवीर जी राजनीतिक विशेषक और अर्थशास्त्र को भी बाखूबी समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही से चर्चा करता हूं। गौरव जी सत्ता में आप हैं, एक पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, टमाटर खाते हैं सर? हाँ तिलक जी बिल्कुल। मैंने कहा टमाटर खाते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल खाते हैं। खाते हैं सर, तो भाव भी पता होंगे सर टमाटर के? जी हाँ। क्या रेट चल रहा है सर? देखिए टमाटर के भाव को लेकर के जो एक सियासत शुरू की गई है, मुझे लगता है कि उसकी सच्चाई में जाने की आवश्यकता है। सर बता दीजिए, ध्यान होगा खरीफ की जो रबी की जो फसल है फरवरी मार्च अप्रैल में, आपको ध्यान होगा कि किसानों ने टमाटर को सड़कों पर फेंक दिया था और जो खेतों में थे खेतों में ही छोड़ दिया, और जो उसकी जो सेकंड प्लांटेशन होती है जो बुआई होती है
उस बुआई को भी रोक दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उनकी लागत थी उस लागत का मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा था उस दौरान, क्योंकि दो ऐसे वायरस का भी अटैक हुआ था, एक कुकुम्बर वायरस था और एक लीफ कर्ल वायरस का अटैक हुआ था जिससे फसल बर्बाद हुई थी। इसके कारण से जो बेतहाशा गर्मी मार्च और अप्रैल में जो गर्मी हुई थी उसकी वजह से भी फसल में नुकसान पहुंचा था, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज जिस मात्रा में मांग है उसकी उसकी आपूर्ति में कमी आ रही है। नहीं, मैं तो वही जानना चाह रहा था गौरव जी, आपने बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए इस चर्चा को, बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए। मैं वही जानना चाह रहा था कि तीन हफ्ते पहले जो एक रुपए का टमाटर का दाम जिसको किसान रौंद रहे थे, सड़कों पर उतर कर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, वो तीन हफ्ते पहले जो एक रुपए वाला टमाटर था वो 120 तक कैसे पहुंच गया? मैं वही बता रहा हूँ ना, उसका जो वैज्ञानिक कारण है वो मैं बता रहा हूँ, फिर सियासत के कारणों पर आएंगे, सियासत के कारणों पर आएंगे। ये देखिए फसल है और फसल में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और ये वायरस किसी ने ले जाकर के नहीं डाला होगा, वो मौसमी है, मौसम का तापमान है, ऊपर नीचे होता है, इस तरह के अटैक आते हैं जिसके कारण से वांछित मूल्य नहीं मिल पाता है किसान को। तो कभी कभी जितनी बुआई होनी थी जहाँ जिस क्षेत्र में हम तो किसानों को होती थी किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, हम किसानों को जो है दाम दे रहे हैं ना सर, तो फिर ये एक रुपए वाला टमाटर 120 कैसे पहुंच गया? नहीं, टमाटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से आता है। अच्छा, टमाटर तो पूरे देश भर से आता है, सभी राज्यों में इसकी पैदावार होती है, दक्षिण में होती है, उत्तर के राज्यों में होती है। इसके लिए किसी एक पार्टी को या एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मांग और सप्लाई और प्रोडक्शन सब कुछ आपस में। अच्छा, ये मतलब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। ये जो सोच रहे हैं कि प्याज का खेल खेल दिए थे 2004 में, तो ऐसा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है और ये सियासत वो कर रहे हैं जो अपने रिजिम में कभी भी 10%। अच्छा, ये तब सरकार जिम्मेदार होती थी, लेकिन 2014 से पहले आप नारा देते थे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महंगे सिलेंडर की मार, इसीलिए तब जिम्मेदार कौन होता था? तिलक जी, इसीलिए तो जब ये इनको जनता ने हटाया तो उस समय महंगाई की दर 11% थी और हमने उसको ला करके 4.2% के आसपास ला करके रोका हुआ है, वो भी उस सर में, जबकि टमाटर 140 की हालत खराब है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ काबू में है, सब कुछ ऑल इज वेल है? हाँ बिल्कुल। ओंकारनाथ जी, समस्या है और इसकी जो अगली फसल आएगी तो निश्चित रूप से उसकी सप्लाई सही हो जाएगी। सर, मैं देख रहा था कुछ आंकड़े, ये अभी किसी दर्शक ने भेज दिया लाइव में। फुल क्रीम दूध 39 रुपए वाला 66 रुपए हो गया, देसी घी 300 वाला 675 रुपए हो गया, सरसों का तेल 52 वाला 150 का हो गया, अरहर की दाल 80 वाली 170 में हो गई, रसोई गैस 410 वाला 1103 में हो गया, पेट्रोल 66 वाला 100 के पार। 300 वाला डेटा फ्री भी हो गया तिलक जी, 5 घंटे में पहुंचने वाली यात्रा जो है वो 1 घंटे में आ गई, 1.5 घंटे में आ गई या 2 घंटे में आ गई। हाँ, ये भी देखने की आवश्यकता है। देश सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, विकास तो यानी कर रहा मिलाकर है, आपकी मैं मानूं तो महंगाई नहीं और है। हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, जो 11 नंबर सर, मैं मान गया आपकी बात, मैं आपसे 5वें नंबर की गौरव जी, मैं ओंकारनाथ जी के पास जाऊं, यानी मैं आपकी बात ही मान रहा हूं, महंगाई नहीं है। मतलब देखिए, महंगाई कोई बीमारी थोड़ी है। देश का जब देश की अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है, जब विकास होता है, तो निश्चित रूप से कब महंगाई नहीं रही थी लगी, आप ये बताइए। हाँ, महंगाई को एक निश्चित दायरे में, जो आरबीआई का स्टिपुलेटेड मानक है 4 से लेकर 6 के बीच में रखना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 6 से ऊपर ही रहा लगभग, 6 से ऊपर ही रहा सर। नहीं, 4.2 है आज की डेट में, पहले तो है, पहले 6 से ऊपर ही रहा सर वो। हाँ, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय 6.7 था। ओंकारनाथ जी, आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं जब गौरव जी कह रहे हैं कि देश में महंगाई है ही नहीं? ओके गौरव जी, ओंकारनाथ जी क्यों भ्रम फैला रहे हैं आप जनता में? वो कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। अब गौरव जी कह रहे हैं भाई, तो हम मान ही लेंगे, हम गलती हो गई हमारी कि हमने भ्रम फैलाया, लेकिन 120 रुपए किलो जो टमाटर है वो तो आप भी खरीद रहे होंगे। और अभी गौरव जी कह रहे हैं टमाटर खाता हूं, अभी आपने ही दाम डाल के बताए कि 170 रुपए किलो हो गई है, आपने सरसों के तेल का दाम बताया,
आप लहसुन ले लीजिए 220 रुपए किलो मिल रहा है, 27 रुपए का 10 ग्राम मिल रहा है। तो श्रीमान जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर और इसको समझिए, पब्लिक को इतना मूर्ख मत समझिए कि पब्लिक मूर्ख है। आप कह दोगे उसको मान लेगी, उसको कोई मानने वाला नहीं। वैसे ये राजा आदमी है, जो चाहे वो कर ले। अभी इन्होंने GRDO को 1786 करोड़ रुपए दिए थे दो ड्रोन बनाने के लिए, रुस्तम एंड घातक। और अभी अमेरिका गए वहां 25,000 करोड़ दिया ड्रोन बनाने के लिए। और आउट जेके ड्रोन जो वहां पे है, जो टेक्नोलॉजी नहीं, अभी, यूज अभी ड्रोन वाले विषय पर उनका नदी में आऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, राजा है ना, तो राजा जो चाहे वो कर ले। मैं ये उसका कंपेरिजन कर रहा हूँ। नहीं सर, आप भी ऐसा नहीं है, सत्ता में रहते हुए आपने क्या किया कि आप उस विषय में आ जाएंगे फिर चर्चा भटक गई। अरे सर आप छोड़िए, हमारे सरकार हमारे हम गलती किए हो तभी तो आप सजा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी आप क्या बात करते हैं, जो हमने गलत काम किया उसी को सजा मिली है हमको? अब ये गलत काम करेंगे जनता इनको सजा देगी। मुद्दे पे एक मिनट, ओमकारनाथ जी, कभी प्याज महंगा, कभी टमाटर महंगा, ये तो सीजनल होते हैं ना सर। यही तो आप सत्ता में होते थे समझाते थे कि ये तो सीजनल है। नहीं, ये हम नहीं समझाते हैं, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो उसकी सजा जनता देती है। मौसम की मार होती है तो सर ऐसा ही होता है। प्याज में आग लगी थी, अपने आप बुझ गई वो आग। नहीं, जनता ने हमको दिया ना उसका खामियाजा, हमें भुगता ना। जब प्याज में आग लगी तो हमने भुगता कि नहीं भुगता, तो वैसे ही भुगतेंगे ये भी। अगर ये नहीं समझ रहे हैं, इसको जो बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई हमारी ठीक है और हम बहुत सही चल रहे हैं, ये ट्रेन चला दे रहे हैं, 3-1 घंटे की यात्रा को कम कर दे रहे हैं, उससे महंगाई से क्या मतलब है? उससे महंगाई से क्या मतलब नहीं मतलब है क्या मतलब बताइए? पैदा हुई सब्जी आप बताइए, एक घंटे में अगर प्याज कहीं से जल्दी आ जा रही है तो क्या मतलब उसका महंगी बेचेंगे? तो पहुंचेगी, आप क्यों महंगी बेचेंगे भाई? महंगाई भी कम होगी, महंगाई आप कम करिए ना। आप हमको महंगाई से मतलब नहीं, क्या कम है क्या किताब से नहीं मतलब है हमको? आप टमाटर दीजिए 40 रुपए किलो हमको दीजिए, टमाटर हमको सस्ता सामान दीजिए। हमें जो 52 रुपए किलो में मिलता था सरसों का तेल, उसे सस्ता कीजिए। देखिए सिक्के का एक पहलू, ओमकारनाथ जी, विकास दर में तेजी आई है कि नहीं आई? कोई तेजी नहीं आई, कोई तेजी नहीं आई 2010 में और देखिए इनका जो 2010 में यही आंकड़ा जो अभी गौरव जी बता रहे थे 10% का आंकड़ा था कि नहीं था? जरा सुन लीजिए, 10% से ज्यादा था कि नहीं? ये CPI जो इनका चलता है, जो इंडेक्स ये बनाते हैं, ये 1 साल का बनाते हैं। इन्होंने पिछले साल का ले लिया कि अप्रैल में जो था वो क्या कहते हैं 2022 अप्रैल में 7.8%, मार्च 23 में 5.7% थी और नवंबर 2022 में ये घट के 6% हो गई। आज ये बता रहे हैं 5.8% है। अगर 5.8% आज है तो ये बताइए नवंबर अप्रैल 21 में क्या थी? अप्रैल में 21 में महंगाई दर जो थी वो 4 point something थी, जो 5.8% है। आप अपने आंकड़े को सही कर नहीं, आज आपके अभी आप गलत बोल रहे हैं, आज 5.8% है। सर हम है, हम है जमीन वाले हैं, ये जो टमाटर खरीद रहा है, प्याज खरीद रहा है, उसको महंगाई दर 5% है, 10% है, उसको क्या लेना देना सर? कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, प्रशांत कुमार जी, सर बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। सुनने में आया UCC को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने जा रहे हैं आप लोग। चावला जी, ये मोदी सरकार का समर्थन नहीं है, जो भी चीज देश हित में, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कोई और भी सरकार हो, लेकिन देश हित में नियमों के अनुसार, ये हमने कहा है कि उसमें सिद्धांत के अनुसार अगर ये अप्लाई होगा तो हम निश्चित तौर से हमारा समर्थन है। लेकिन आपने देखा मोदी सरकार कोई भी चीज नियम के मुताबिक देश में नहीं कर रही है। एक तरफ आप UCC यहाँ की बात कर रहे हैं अप्लाई करने की, एक तरफ आप देश में मस्जिद तोड़ रहे हैं और कायरा में जो है मोदी जी क्या कर रहे हैं मस्जिदों में जाकर। चलिए कुल मिला के समर्थन दे रहे हैं, बात खत्म हुई। अब वो उस विषय में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे लगा कि आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मसला बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं ओमकारनाथ जी, वो समर्थन दे रहे हैं UCC को लेकर। मुझे क्या दिक्कत होगी? हाँ आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि खैर विपक्षी एकता। मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रशांत जी, UCC को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है मगर महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं हो रही कि जैसे ही किसान की सारी सब्जी खत्म हो गई, ठीक है ना, किसान का आपने बताया भी टमाटर मारा मारा घूम रहा था, किसानों ने खेत में छोड़ दिया, सड़क पर फेंक दिया क्योंकि उसको कोई भाव नहीं मिल रहा था। जिस सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय जो है दोगुनी कर देंगे,
एमएसपी देंगे, वो सब फर्जी जैसे हमेशा इनका जुपला होता है वो साबित हुआ। अब जैसे ही चाहे प्याज की तरह ये टमाटर या अन्य सब्जियां मोदी जी के मित्रों के स्टॉक में पहुंच गई तो इनका महंगा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मित्रों को तो बेनिफिट देना ही देना है। कैसे, कोई आधार है या फिर वही हवा में तीर? आधार तो ये सरकार नहीं, आप भाई एक बात बताइए, आधार किस बात का आधार? नहीं, तो आप हर बात पे ये कहो कि पूंजीपति दो पूंजी, एक बात तो जनता भी परेशान हो जाती है, कोई आधार तो दो। आप अमेरिका गए, आप कहो कि भैया इसमें भी जो है उद्योगपतियों का हाथ है, इनके मित्रों का हाथ है, इसलिए महंगा हो गया, ये लॉजिक नहीं हुआ ना सर? क्यों लॉजिक क्यों नहीं हुआ चावला जी? जब ये चीज किसान के खेत में होती है इसकी इसकी कीमत दो कौड़ी की नहीं होती, जैसे ही वहां से खत्म हो जाती है जैसे इनके स्टॉक में पहुंच जाती है, चाहे प्याज हो चाहे अन्य सब्जियां हो चाहे दाल हो चाहे अभी टमाटर की बात करें, तो उसके जो है प्राइस आसमान छूने लगते हैं। तो इससे ज्यादा और लॉजिक क्या चाहिए? अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो मैं आपको आंकड़े भी दे दूंगा ला करके अगली बार। नहीं, आंकड़ों में तो उस्ताद है परमवीर जी। परमवीर जी, ये जो बात कह रहे हैं ये आपके गले उतर रही है, जो बात कह रहे हैं प्रशांत जी कि भैया उद्योगपति मित्र आ गए इस वजह से टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है। एक मैं जानकारी देना चाहूंगा, देखिए सब्जियां की जो उगाते हैं वो बड़े किसान, बड़ा किसान जैसे मैं कहता हूँ 10 एकड़ से ऊपर वाला वो किसान नहीं उगाता है खेती, टमाटर हो गए प्याज हो गए, ये छोटा सीमांत किसान करते हैं शहरों के पास या दिल्ली के पास में, जिनके पास 1-2 एकड़ जमीन होती है, उनके पास इतना सरमाया नहीं होता है कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सके या कुछ दिन तक भी उसको आगे रेट बढ़ने की इंतजार कर सके। तो ऐसे में जब टमाटर का पहले बेकदरी हो रही थी तो उन लोगों ने टमाटर सड़कों पर फेंका, अभी फसल बर्बाद हुई तो वही टमाटर महंगा हो गया। अब ये महंगा होने का फायदा किसान को नहीं मिला है, ये मिला है आढ़तियों को। आढ़ती कौन है? आढ़ती ज्यादा करके बड़े किसान है। ये बार बार कहा जाता है कि कंपनियां आ गई, सब्जी के अंदर इंडिया के अंदर कोई कंपनी लगी हुई नहीं है और ना ही अभी इंडिया में वो कल्चर है कि आप और हम हो या बहुत बड़े पैसे वाला आदमी हो वो सब्जी मॉल में से कोई नहीं खरीदता। ये लाने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसके ऊपर प्योर राजनीति की जा रही है। आप अगर आप स्टेट वाइज आंकड़ा उठा के देखिए, पंजाब खेतिहार स्टेट है तो वहां पर अभी कल के कल अपना टमाटर के ऊपर कर दो 5 रुपए किलो उसे, या महाराष्ट्र में आइए, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो देश की दिल्ली की राजनीति को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत बड़े आड़ती हैं। आप क्यों किसी पूंजीपति का नाम लेते हैं? आप यहीं पर बैठे हुए लोग जानते हैं कि कौन है वो आड़ती इतने बड़े बड़े। डीप साउथ में जाइए, तमिलनाडु से जाइए, सारा प्याज का मार्केट वहां से कंट्रोल होता है, नासिक से प्याज का मार्केट कंट्रोल होता है। जो बात कह रहे हैं प्रशांत जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं प्रशांत जी, फिर पहले आप फिर उसके बाद ओंकार नाथ जी। वो कह रहे हैं पंजाब में करके दिखा दो, किसने रोका है, कर दो कंट्रोल। प्रशांत जी, जी पंजाब में आप ही है ना? परमवीर जी कह रहे हैं कर लो कंट्रोल। पंजाब में भी हम है, दिल्ली में भी हमने, हम सिर्फ सारा काम हम कर दें तो मोदी जी प्रधानमंत्री किस लिए बनाए गए? सर ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप कह रहे हैं कि अगर पंजाब में कर सकते तो करके दिखा दो ना, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भैया प्रधानमंत्री करें काम नहीं कर सकते? चावला जी ये तो मोदी सरकार हमेशा राज्य सरकारों का डाल देती है, तुम ये कर दो तुम ये कर दो, तो तुम किस लिए प्रधानमंत्री बनाए हो? तुम्हारी जो वित्त मंत्री है वो झक मराने के लिए बनाई गई है? नहीं, तू तो आके वाली भाषा यहाँ नहीं प्रशांत जी, बताइए ये आपका कार्यालय नहीं है आम आदमी पार्टी का। चावला जी इनको इनको किस लिए बनाया गया है? इनका कोई काम है? इनके अनुसार देश में सब कुछ सही चल रहा है, मोदी जी के अनुसार मणिपुर में राम राज चल रहा है, परमवीर जी राम राज चल रहा है, यानी महंगाई भी स्टेट सब्जेक्ट है, आदमी की इनकम घट रही है अपने आप, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आप हमारी देखिए बाढ़ भी आती है ना कभी, इनके तो पुराने आंकड़े उठा के देखे जाते हैं कि पानी कहाँ तक पहुंचाता है, तो वैसा ही महंगाई का है। आप पिछले 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, टमाटर का और प्याज का ही, केवल हम ज्यादा डिबेट डिटेल में नहीं जाते हैं, केवल टमाटर और प्याज का, तो ये इसका आपको सारा आंकड़ा दिखाई देगा कि एक साल में ये बहुत डाइसी काम होता है कि एक बार समय ऐसा आता है कि इसकी इधर लिधर हो जाती है टमाटर की और एक बार आसमान छूता है। हर साल सरकार चाहे सरकार कोई भी रही हो ये इनके हाथ में नहीं है, ये नेताओं का बड़बोला है दोनों से तीनों तरफ का। ये तो राजनीतिक आंसू तो खूब रोए हैं ना लोगों ने ओंकार नाथ जी, बात तो सही कह रहे परमवीर जी, ये तो हर साल होता है, कोई नया नहीं है, आप लोग इसे मुद्दा बनाते फिर भूल जाते। देखिए परमवीर जी जो बात कह रहे हैं, सरकार किस लिए होती है? अगर कोई राजनेता, आप ईडी और सीबीआई दुनिया भर तो सब भेज दे रहे हैं, अगर आप नेता को समझ रहे हैं कि इसके अंदर कोई कर रहा है जिससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, वो नहीं पकड़ पा रहे, तो पकड़ते क्यों नहीं उसको? कौन रोक रहा है उसको? ये सब कहने की बातें होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर इस प्रकार की कोई महंगाई होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए वो
जिम्मेदार होती है और उसको देखे, चाहे वो कोई सरकार हो, हमारी सरकार थी, अगर हम नहीं कर पाते तो हमारी असफलता थी। आज ये है, इनकी असफलता है, सरकार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी सरकार भाग नहीं सकती है। अगर एक दर्शक पूछ रहे हैं, आपके सरकार के वक्त महंगाई दर 10% से ज्यादा थी, सच या झूठ? अरे हमारे समय में 20% रही, वो छोड़ दीजिए उसको, अगर थी तो हमने खामियाजा भुगता, आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, 55 सीट लेके बैठे हुए हैं, थी ना, तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? तब तो आप इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री भी थे और जिनके पास जिम्मा था वित्त मंत्री जी प्रणब मुखर्जी, मैं गलत तो नहीं, जो कहते थे कि अगले हफ्ते सब कुछ ओके हो जाएगा। सुन लीजिए, जो उस समय दर थी और जो हमने बेस ईयर बनाया था, उस बेस ईयर के हिसाब से 10% अगर थी और उस बेस ईयर को आज ये बनाते तो आज 20% होती। इन्होंने तो अपने हाथ से बेस ईयर खत्म कर दिया, बना के दूसरे तब ले आए। नहीं नहीं, ये आंकड़ा मैंने गलत तो नहीं दिया ना परमवीर जी? बिल्कुल ठीक आंकड़ा दिया तिलक जी। तो फिर आपके पास अगर थ्योरी नहीं थी महंगाई कम करने की, आप सलाह दे रहे हो सरकार को कि मोदी सरकार को कि महंगाई कम कर दीजिए आप? भाई हम सलाह इसलिए दे रहे हैं कि हमारे समय में गैस सिलेंडर जो है वो 1100 रुपए का नहीं था। हाँ। हमारे समय में जो इतना महंगा कच्चा तेल था, लेकिन हमारा पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। हम इसलिए सलाह दे रहे हैं, हमारी चीजें जो थी वो विद इन लिमिट थी, और उसके लिए चिल्ला रहे थे और लेके भाग रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। हाँ। आज सर के ऊपर पानी बह रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी सारी चीजें कंट्रोल में है। तो अब सवाल इस बात का है, आप ओके, जल्दी से पहले परमवीर जी, आप फिर मैं गौरव जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, राजस्थान सरकार की एक पॉलिसी चल रही है, अगर आप बसों पर देखेंगे राजस्थान रोडवेज की, तो वो लगे हुए मिल जाएंगे। गहलोत साहब का बहुत बड़ा फोटो है और साथ में लिखा हुआ है महंगाई राहत कैंप जी, 500 रुपए सिलेंडर वहाँ पर, अब वहाँ से ले लिया जाएगा, देखा जाएगा कितना मिलता है। अब आप तो कांग्रेस तो अपने आप गलती मान चुकी है, आप हो सकता है राजस्थान अगर हो जाएगा एजेंट बन के बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग के बात करना, भाजपा का एजेंट कहिए या किसी का एजेंट कहिए, वहाँ से लेकर देखिए आप समस्या क्या है, आपको लेने की समस्या क्या है। अच्छी अगर आपके विरुद्ध बोलेगा तो वो एजेंट है, हम जाएंगे लेने के लिए, आप जाइए लीजिए। नहीं मैं बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप मेरे पे स्टैंप तो लगा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप कांग्रेस की सरकार, मैं तो शाबाशी देता हूँ कि महंगाई राहत कैंप शुरू हो गया, सब लोग बियर किया होगा ना, वो 500 रुपए अगर दे रहे हैं तो सरकार बाकी सही बात सही। तो यही मैं देख रहा हूँ, यही मैं बात कह रहा हूँ, राजस्थान से हो सकता है अच्छी न्यूज आए कोई हमारे पास कि महंगाई राहत कैंप ने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। तिलक जी, राजस्थान में 10% से ऊपर है महंगाई की दर, यहाँ इनकी सरकार है। तो सर महंगाई भी स्टेट सब्जेक्ट बन गया क्या? नहीं, ये तो साल में राज्य और केंद्र दोनों का होता है, लेकिन राज्य सरकारों को बहुत कुछ निर्भर करता है, राज्य सरकार में होती है। यही बताइए कि गेहूं का दाम जो है वो राज्य सरकार तय करती है कि केंद्र सरकार तय करती है? चावल फ्री में बांटेंगे तो कहीं सरकार कर देंगे, उसी जनता से लेंगे, यानी महंगाई भी अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया है। देखिए तिलक जी, अभी अभी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 84% बता दिया, 84% बता दिया इनके प्रवक्ता मोदी ने। ये तो 500 रुपए के सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, आप देंगे क्या? नहीं, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं तो जो पीछे का जो पैसा है वो कहाँ से ले रहे हैं? उसकी जनता से तो ले रहे हैं, दूसरे रूप में ले रहे हैं, तो आप भी जनता से लॉस में जा रहे हैं क्या? इसलिए तो लॉस में जा रहे हैं, इसलिए तो महंगाई की दर उनके यहाँ 10% से ऊपर जा रही है। यानी 500 रुपए का सिलेंडर देना पाप है? ये 1971 में भी गरीबी हटा रहे थे, 63 में भी गरीबी हटा रहे थे और आज भी गरीबी हटाने का 500 रुपए का सिलेंडर देने का समर्थन करते हैं विरोध। और आप जरा देख लीजिए इन लोगों ने गरीबी को हटाने के लिए सर हमने जब गरीबी हटाई थी तो उस समय 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे और आपने उनको 22% पे आपने 80 करोड़ लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हो, 80 करोड़ को सब की बात है, आप कह रहे हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सब कुछ सही चल रही है, 80 करोड़ आदमी को अगर आप राशन न दे तो खाना नहीं खा पाएंगे, आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ जो है क्या जी। गौरव, एक मिनट, यूएन के आंकड़े में एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ ये 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, आप इसका समर्थन करते हैं विरोध? नहीं देखिए, ये किस लिए कर रहे हैं? आज एक 500 रुपए का सिलेंडर दे करके ये जनता के ऊपर एहसान थोड़ी थोप रहे हैं, जहाँ प्राइमाम मचा हुआ है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। तो आप 2014 से पहले सिलेंडर हाथ में लेकर खड़े होते थे और आप कहते थे कि सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा दिए, तभी मैं पूछ रहा हूँ आपकी सरकार में 1100 रुपए हैं।
भाई इनके शासनकाल में तो सिलेंडर था ही नहीं लोगों के पास, गरीबों के पास तो सिलेंडर पहुंचा नहीं था, उन्होंने तो सिलेंडर का मुंह भी नहीं देखा था, वो तो कोयले में और लकड़ी में अपना शरीर खराब करने के लिए मजबूर थे। तो पहली बार तो देश की जनता ने, गरीबों ने सिलेंडर को अपने घर में पहुंचते हुए देखा, उज्ज्वला योजना 1100 रुपए तो और नहीं उसके लिए नहीं है, सब्सिडी कितनी दी जाती है, कहां दी जा रही है सरकार उस समय भी वो सब्सिडी जो है नहीं, अब तो सब्सिडी नहीं मिल रही ना सर, लेती थी ऐसा थोड़ी है कि नहीं लेते थे, अब तो नहीं मिल रही ना सब्सिडी, गवर्नमेंट पे करती थी। ओके प्रशांत जी पहले आप, फिर उसके बाद परमवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी देखिए अभी 3-4 दिन पहले मेरी बात सुन लेना, DERC दिल्ली में इन्होंने संविधान को एक बार फिर साइड में छोड़ करके दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री जी के सजेशन को साइड में रख के अपनी तानाशाही से DERC का चेयरमैन चुना, और इस चेयरमैन ने आते ही दिल्ली में इनके जो प्राइवेट मित्र हैं, जो पार्टनर हैं मोदी जी के, उनको जो बिजली बढ़ा के दे दी, यानी कि अगर कोई राज्य सरकार कहीं जनता को राहत सब्सिडी के द्वारा देने की कोशिश कर रही है तो ये क्या करते हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल के जरिए जबरदस्ती थोप के लोकतंत्र संविधान की हत्या करके अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इनको पूछ लीजिए कि DERC के चेयरमैन ने आते ही पहला काम क्या किया है, दिल्ली में बिजली महंगी कर दी, क्यों कर दी भाई, कौन हो तुम, तो इनका दोगलापन दोगला चरित्र यही है कि इन्हें अपने मित्रों को एन के फायदा पहुंचाना है, कहीं से भी ले लीजिए इस देश में, और इनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है, इनके हिसाब से इनसे पहले जो सरकारें थी वो महंगाई के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन ये नहीं है, अभी क्या प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार नहीं है, देश में जो हो रहा है रेल घटनाएं हो रही है तो आतंकवादियों ने करा दी, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा लगता है देश में ये सरकार चला के एहसान कर रहे हैं, सरकार का काम होता है जिम्मेदारी लेना, आज तक मोदी सरकार ने अपने एक भी फेलर का कुछ जिम्मेदारी ली है क्या, आप बताइए क्या सरकार इस तरीके का दोगलापन करते हैं, और साथ तो कह चुके हैं अमित शाह जी ने तो कह दिया था कि चुनाव के दौरान हम जो बातें करते हैं वो सिर्फ एक जुमला होता है, कुछ नहीं होता, तो ये सरकार जुमले पर चल रही है, यहां भी इनके राज्यपाल उपराज्यपाल इनकी सरकारें नहीं है, दिल्ली का मैंने आपको उदाहरण बताया, पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी जनता को 200 यूनिट दिल्ली की जनता को प्रशांत जी एक मिनट रुकिए, आप लोगों के हाथ में वाकई दिल्ली में कुछ नहीं है, हमारे हाथ हाँ नहीं हमारे हाथ में काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हाथ में है कुछ नहीं, हर बात को लेकर आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप बताइए कि दिल्ली में DERC का चेयरमैन चुनने का अधिकार जी, मैंने आपसे पूछा हर बात पे आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, मैं तभी पूछ रहा हूँ वाकई कुछ नहीं है, लेकिन ये इंटरफेयर करते हैं बीच में संवैधानिक तरीके से, आप देखो बात घुमा गए आप मेरी, खैर गौरव जी आप जवाब दीजिए फिर परमवीर जी आ रहा हूँ उनके पास, वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, और आप कह रहे हो कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जी, नहीं सही बात है, आने वाला समय वही होगा इनके हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा, क्योंकि बकरी की ऊपर सब तक खैर बनाएगी, जो घोटाले इन लोगों ने कर रखे हैं, देश की जनता जब दिल्ली में मर रही थी कोरोना में तो उस समय 53 करोड़ का बंगला बनवा रहे थे और अपने मंत्रियों को अपने बंगले का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, इनके हाथ में वास्तव में कुछ नहीं रहने वाला है, आने वाला समय इनके लिए बहुत काला होने वाला है, कई विधायक राजीव संगीन अपराध गौरव जी कम से कम आपको प्रशांत जी को थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए, UCC के मसले पर वो आपके साथ आकर खड़े हुए हैं, बहुत मसलों पर अभी साथ दिखाई देंगे तिलक जी, अच्छा तो मतलब मान रहे हैं आपके साथ ही है, बहुत बहुत से मसलों पर ये साथ दिखाई देंगे, मतलब मान रहे हैं आप ये आपके साथ ही है सारे, वो मौका प्रस्त है, जब कानून का डंडा इनके ऊपर चलेगा तो दिन को दिन और रात को रात कहने से परहेज करेंगे, यानी आप ये बता रहे हैं कि कानून का डंडा चलाएंगे सब हमारे साथ आ जाएंगे, जो कानून के कानून मिनट गौरव जी, यानी आप ये कह रहे हैं ना एक मिनट रुकिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि कानून का डंडा चलाएंगे और ये सब आपके साथ आ जाएंगे, कानून का डंडा चल रहा है इनके ऊपर तभी आपके साथ आ रहे हैं,
पापों के कारण चल रहा है, जो घोटाले कर रखे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं, उसके कारण इनके ऊपर कानून का डर चल रहा है। कानून ने सदर पाल लिया है, वो अपने आप चलता है। वो हमारे भाजपा का भी अगर कोई होगा, हमारे सरकार का भी भ्रष्टाचारी होगा, तो उसके ऊपर भी चलेगा। तिलक जी, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए इनका सुर किधर लग रहा है, कौन सा तार सबको लग रहा है, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके परमवीर जी, परमवीर जी, ओके ओके, एक मिनट परमवीर जी, मसला महंगाई का था, कहीं और भटक गए हम, ये यूसीसी और तमाम मुद्दों पर। मैंने कहा गौरव जी को धन्यवाद दे दीजिए, वो धन्यवाद भी नहीं दे रहे, और वो कह रहे नहीं हम तो समर्थन देंगे, पकड़ के कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं हम तो समर्थन देंगे इनको, वो कह रहे हैं चाहिए नहीं, कह रहे नहीं हम तो देंगे। खैर ये अलग मसला है। और दिलचस्प बात ये है, ओंकार नाथ जी कह रहे हैं हमें तो कोई लेना देना नहीं, दे दे ना दे ना दे कोई दिक्कत नहीं। खैर अलग सियासत है ये भी। परमवीर जी मैं एक बात समझना चाह रहा था, ये जो महंगाई को लेकर इतना हो हल्ला शोर शराबा होता है, क्या वाकई में चुनाव के वक्त ये मुद्दा बनता है या बनता है? तिलक जी ये देखिए, ये प्योर राजनीतिक मुद्दा है। ये भाजपा की यूएसपी थी। आप स्मृति रानी जी के पुराने वीडियो उठा के देखिए, कैसे सिलेंडर लेकर वो जाया करती थी पार्लियामेंट में। जो अब कांग्रेस कर रही है, उन्होंने भाजपा वाले ही तीर उठा लिए हैं सारे। ना ना, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। आपने कभी किसी बड़े नेता को देखा इनके सिलेंडर उठाते हुए? अभी नहीं, वो आएंगे। ये ट्वीट करने से काम नहीं चलता जी, कि घर में बैठे हो ऐसी कमरे में कि चलो आज मन करे ट्वीट कर दे जी। हाँ महंगाई वाला आंकड़ा निकालो, वो भी नहीं करते, मैं जानता हूँ। कोई करता कोई और है, नाम उनका होता है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ये जो ट्वीट करते हैं, वो एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं, और पर ट्वीट का पैसा भी लगता है ना परमवीर जी? गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं तिलक जी। समस्या क्या है, ये मत बोलिए कि वो तो सिलेंडर उठा के, कोई देखा आपने विपक्ष का कोई बड़ा नेता सिलेंडर उठाते हुए ऐसे? नहीं ना तिलक जी, समस्या क्या है, चाहे पार्लियामेंट के बड़े नेता हो या हम जैसे कोई विश्लेषक हो, अगर हम कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश करें या सच बोलने की कोशिश करें, जबकि मेरा राइट है, तो मेरे को ठप्पा लगा के भाजपा का एजेंट बताया जाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ कहने का इतना है, आजकल राहुल गांधी जी की पीआर एजेंट टीम जो है, वो बहुत कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी जी को इलीट क्लास से हटाकर एक मिडिल क्लास का बंदा दिखाया जाए। कभी वो ट्रक ड्राइवरों के साथ ट्रक में सफर करते हैं, आज का आपने देखा होगा तो मोटर मैकेनिक के साथ में लगे हुए हैं। अब ये समझ के उनको मतलब मिडिल क्लास का दिखाने के लिए, ये हमें समझते हैं कि हमें अकल ही नहीं है। तीन तीन प्रधानमंत्री के आप खानदान से आते हैं, आप मोटर मैकेनिक कैसे बन जाएंगे भाई? आप मोटर मैकेनिक कैसे बन जाएंगे? तो ऐसे ही जब राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट आता है कि वो आंकड़ा देते हैं, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो उसके ऊपर विश्वास कर नहीं पाता है। अब रही भाजपा की बात, देखिए महंगाई सब जगह है। महंगाई से आप भाजपा कहे कि नहीं महंगाई नहीं है और हम मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। चीजें अपने आप बढ़ रही है, आ रही है, चीजें सामने आती है सब चीजों के, तो भाजपा भी छुप नहीं सकती है इस चीज के पीछे कि आपने एक आंकड़ा दे दिया, वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा दीजिए, वो आंकड़ा दीजिए। भाई मेरी प्लेट के अंदर जो चीज महंगी आ रही है, तो मैं तो महंगी ही बोलूंगा ना उसे। और सरकार का काम है ये कि इन चीजों को कंटेन करे। रही किसान की बात, इस बार देखिए जो बात है, मौसमी मार ने गेहूं के ऊपर भी आई थी, गेहूं एमएसपी से ऊपर ही बिका है। किसी किसान ने भी इस बार अगर देखिए, बहुत बड़े आंकड़े मैंने अखबार में पढ़े थे, एमएसपी से ज्यादा गेहूं बिक रहा था बाहर की मंडियों मार्केट में, तो वहां पर दिया। तो ये ऐसा ये ताना बाना बुनकर आप सोचे कि आप घुमा देंगे बातों को, तो कोई पार्टी भी हो वो नहीं घुमा पाएगी। अटल जी की सरकार टमाटर ही लेकर गए थे, मैं भाजपा को आईना दिखाना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सब काम किए थे उन्होंने उस समय, लेकिन ये टमाटर ने ही रुलाया था। कईयों को तो प्याज ने भी रुलाया ना जी। मत बोलिएगा ओंकार नाथ जी नाराज हो जाएंगे। नहीं प्याज खाली कांग्रेस को ही नहीं रुलाया था, बीजेपी को भी रुलाया था। सुषमा स्वराज जी प्याज में ही गई थी जी, बिल्कुल सही कहा। और किसी को ज्यादा रुलाया, किसी को कम रुलाया। परमवीर जी जो बोल रहे थे, मैं उनको समझाना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी मिडिल क्लास दिखना नहीं चाहते, वो वाकई में मिडिल क्लास के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। वो फोटो नहीं खिंचवा रहे, वो उनसे बात करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। आपको बताएं जब ट्रक में चले थे, तो ट्रक में बैठे और ट्रक ड्राइवर की परेशानी को उन्होंने महसूस किया, उन्होंने उस पर आवाज उठाई कि ये केबिन एयर कंडीशन होना चाहिए। और आज गडकरी जी ने उस पर आदेश कर दिया है कि एयर कंडीशन ट्रकों में जो है आगे जहाँ ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो एसी वहां पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो धीरे धीरे चलती हैं और वो अपने हिसाब से कराते हैं इसको। आज वो मोटरसाइकिल मैकेनिक से अगर मिले हैं तो दो चार दिनों में उस पर कुछ न कुछ वो कहेंगे, और तब आप देखिएगा कि आप उस पर सरकार भी ध्यान देगी।
चीजें होती है कि करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, फोटो भी खिंचवानी चाहिए, वीडियो भी डालना चाहिए, ट्वीट भी करना चाहिए, करना चाहिए। और जहाँ तक रह गया कि कामन नहीं, अब कब तक कामन का जान दे देंगे, सब मानेंगे। इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने की, सब कामन लोगों के साथ की उन्होंने, और उसके बाद कौन सा वो जाके उसमें रह रहे हैं महल के अंदर, कौन सा उन्होंने नई चीज कर दी जो पहले नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनका उनकी आप आलोचना कर सकते हैं, आप बिल्कुल आपका अधिकार है। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है, राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते, तो आप कहने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई दोहरा नहीं हो सकता है। आपने कुछ सीखे हो अभी अभी विषय राहुल गांधी नहीं है, विषय महंगाई है। महंगाई का तो मतलब यही है, महंगाई जहाँ तक सवाल है, महंगाई के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सरकार महंगाई के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए ओमकार नाथजी, प्रशांत जी, आप दोनों बताइएगा, सरकार को क्या करना चाहिए कि महंगाई काबू हो जाए? सबसे पहले जो ये चोर बाजारी, उसको कम करना चाहिए। चोर बाजारी तो उसमें उनको क्या कहते हैं, छूट दी है आपने, कम कर दी। कहीं कहीं का भी सामान हो, कहीं भी आप भेज सकते हैं और कहीं उसको स्टोर कर सकते हैं, आप कोई चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने बनाया है, उसके बाद तो ये सब प्रॉब्लम, चोर बाजारी की वजह से हो रही है महंगाई, बिल्कुल हो रही है। प्रशांत जी, दूसरा कारण भी है, वो कह रहे हैं चोर बाजारी की वजह से महंगाई हो रही है, इसका दूसरा कारण भी है चावला जी। जी जल्दी से प्लीज, इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनके नहीं देश के, अनफॉर्चुनेटली देश के हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, जनता का कम से कम सम्मान करिए जिन्होंने वोट दिया। ये आपका आम आदमी पार्टी का कार्यालय नहीं है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है देश का, वो चाहे इंदिरा गांधी हो। रुकिए एक मिनट, नहीं प्लीज, आप ये हर बार यही बात बोलते हैं। नहीं तिलक जी, आप बताइए, आप कितना सम्मान, प्रधानमंत्री चाहे वो नेहरू जी हो, सुनिए मेरी बात, चाहे इंदिरा गांधी जी रहे हो, अटल जी रहे हो, ठीक, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, थोड़ा सम्मान के साथ, और ये मत बोलिए इनके प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री है, आपको अच्छे लगते तो कोई बात नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री देश के संविधान का सम्मान करते हैं, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं? अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र का गोला, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है मिस्टर प्रशांत कुमार जी? अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है बताइए ना, बताइए ना, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ करके सरकार बना दी, अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? अनार्किस्ट का मतलब क्या होता है जी? मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी में बता दीजिए जी। वही तो कह रहा हूँ सर, दूसरे के इंग्लिश का मजाक उड़ाते हो और आपको खुद इंग्लिश नहीं आती, और जो बोलते हैं आपके नेता, आपको यही नहीं मालूम कि क्या बोलते हो? और आप कहते हो कि संविधान, नहीं नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप एक बात बताइए, मैंने एक बीच में भी सवाल पूछा था आपको, दिल्ली का मालिक कहता हूँ आप महंगाई कम करा, ऐसा नहीं है, ये जनता का, यहाँ बैठ के जनता का अपमान मत करिए, आपने विषय ये नहीं है, विषय ये है कि सम्मान, कम से कम सम्मान के साथ बात रखिए। इनके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, देश के न्यायाधीश का सम्मान नहीं करते, देश के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, ये जो किसका सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी? सरकारों को तोड़ मरोड़ के खरीद करके सरकार बना लेते, ये जनादेश का सम्मान करते हैं। प्रशांत जी, प्रशांत जी, आप लोग एलजी का जितना सम्मान करते हैं वो सब देखते हैं, है ना? अभी विषय पर आ जाइए, एलजी सम्मान लायक है? हाँ, ये गलत विषय में भटक, मुद्दे पे आइए, सरकार क्या नहीं कर रही महंगाई को लेकर जो करना चाहिए, मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता साथी से जवाब लेना चाहता हूँ मैं आपके जरिए जी। टीईआरसी का चेयरमैन गलत तरीके से चुना गया, और चुनते ही उसने क्या किया, दिल्ली में जो है बिजली के प्राइस बढ़ा दिए। आप बताइए, हम तो जनता को राहत दे रहे थे, इनको तकलीफ क्यों हो रही, क्यों बढ़ाए पैसे बिजली के? इसका जवाब दे भाजपा के प्रवक्ता, जल्दी से गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, इनका क्या जवाब देना है तिलक जी, ये लोग तो झूठे वादे करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बना करके, मक्कारी वाली बातें करके सत्ता में आए और अदालतों में जाकर माफी मांगे। आज भी सिलसिला जारी है, आज भी वही सिलसिला जारी है, घोटालों की लंबी फेहरिस्त है, उसकी जांच चल रही है। शराब घोटाले ये करते हैं, शिक्षा में घोटाले ये करते हैं, कमरों के घोटाले ये करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले ये करते हैं, तो घोटालों की लंबी फेहरिस्त है इनके साथ, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, जहाँ इनको मौका मिला है वहाँ ये हाथ मार रहे हैं। लेकिन
इनके साथ साथ इनके ऊपर कड़ी नजर भी है, इसलिए इनको बेचैनी हो रही है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, आज ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं। ये पूरे देश भर में घूमना चाहते थे, विपक्षी एकता कर रहे थे और उसी विपक्षी एकता के मीटिंग से इनको बेआबरू होकर के निकलना पड़ा। तो आज ये दशा है, इसके बारे में क्या बोला जाए? जनता को जो भरोसा भाजपा ने, नहीं नहीं बेआबरू होकर विपक्षी एकता वाली बैठक से वो बेआबरू होकर नहीं निकले, वो छोड़ के आए थे बैठक, बेआबरू होकर के ही निकले थे आज। नहीं नहीं बैठक छोड़ के आए थे गौरव जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट बोला है, साफ बोला है। आप माकन जी का बयान सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए, ममता बनर्जी का बयान सुन लीजिए, कोई इनको देखना नहीं चाहता है। ये अपने शब्दों पर, ये अपने शब्दों को विपक्षी एकता ला रहे थे, और धीरे धीरे आप बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बहुत चालाक समझते हैं, और वहाँ दोस्त बनाने, गौरव जी आप चिंता छोड़िए, ये विषय नहीं है। एक मिनट, ओंकार नाथ जी, मतलब कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, आप कहाँ उस विषय में जा रहे हैं? जिस दिन ये विपक्षी एकता की बैठक थी उससे एक दिन पहले ठीक राजस्थान में थे केजरीवाल जी, बताइए। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो कि अध्यक्ष बनने वाले थे उनको कहते हैं मक्कार, डरपोक और नीच, और अगले दिन उन्हीं के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो गए। ये बड़ा दिल है कांग्रेस का, आप उसको अन्यथा मत दीजिए। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि देश को सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी से है। अच्छा ठीक, ओके, किसने क्या क्या कुछ कहा, सर छोड़िए ना उस बात को, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा दरअसल ये है कि देश के प्रधानमंत्री भोपाल गए, भोपाल में उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान आपने भी सुना होगा मुझे पूरी उम्मीद है, सुना था गौरव जी? देश के प्रधानमंत्री भोपाल गए थे, भोपाल में उन्होंने एक बयान दिया, वो बयान सुना आपने? बिल्कुल सुना है। हाँ, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी शासित राज्य में पेट्रोल महंगा नहीं है, विपक्ष शासित राज्यों में है। बिल्कुल, बहुत साफ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में दो बार एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया, और बढ़ाया कितनी बार गया ये भी बताइए। विपक्षी सरकारों ने उसका फायदा, उसका लाभ जनता को नहीं दिया। अभी उस पर आएंगे, कितनी बार आपने बढ़ाया, लेकिन एक मिनट में दो बार बढ़ गया है, एक मिनट सर, आते ही बढ़ गया सर, एक मिनट। जिस भोपाल में देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम है, उसी भोपाल में 108 रुपए से ज्यादा, और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 111 रुपए हाईएस्ट, देश में सबसे ज्यादा, और मुंबई में 106 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम। सर ये तो आप ही शासित राज्य हैं, तो आप कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल कम है आपके राज्य में? हाँ बिल्कुल कम है, मैं तो, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको दिखा भी सकते सर, बताइए जो मैंने आंकड़ा दिया गलत है, भोपाल में कितना है सर, आपके पास लिस्ट है, बताइए भोपाल में कितना? तेलंगाना, पांडिचेरी सर, भोपाल में कितना है सर बताइए ना, आंध्रा, आप ओवरऑल महंगाई की दर देखेंगे तो इन राज्यों में भाजपा शासित राज्यों की तुलना से काफी ज्यादा है। सर भोपाल में पेट्रोल का दाम कितना है बताइए ना, कहीं कहीं तो 4% कम से कम भोपाल में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल का दाम कितना है सर बताइए ना, मुंबई में पेट्रोल का दाम कितना बताइए, वो मान रहा हूँ। आप देखिए तिलक जी, आप जो कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ, मैं तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल लेता नहीं हूँ, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कम है। अच्छा, पेट्रोल डीजल में कम है सर, सर वहाँ तुलना में, वही बात जानना चाह रहा हूँ मैं, वही बात आप एक बात बताइए। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई कम होती है या ज्यादा होती है? प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, मैं अब उसी पर आ रहा हूँ। एक मिनट, क्योंकि आपने एक्सरसाइज ड्यूटी का जिक्र किया था, एक मिनट। 23 जनवरी 2023, शायद ये वही तारीख थी जब देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा था कि घाटे की भरपाई पेट्रोलियम के मसले पर उन्होंने कहा था, अगर मैं गलत नहीं तो परमवीर जी टोक दीजिएगा आप लोग, उन्होंने बकायदा ऑयल कंपनियों से यह कहा था कि घाटे की भरपाई हुई है तो दाम को कम करना शुरू करिए, घटा दो, रिक्वेस्ट है, कहा था। हमारी सरकार ने किया था, 5 रुपए और 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पर। नहीं, आप देखिए, एक मिनट, थोड़ा, क्योंकि आंकड़े जनता के पास सही जाने चाहिए, बाकी चिल्पों में तो सब कुछ चला जाता है। 120 रुपए प्रति बैरल, यही आंकड़ा था ना परमवीर जी, 120 रुपए प्रति बैरल कच्चा तेल, और हम रूस से ले रहे हैं
$60 प्रति बैरल, कहां 120 और कहां 60। सर एक पाई तक कम नहीं हुआ, क्यों? आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ऑयल कंपनियों से 23 जनवरी 2023 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने हो गए सर, एक पैसा कम नहीं हुआ। गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहा ना गौरव जी? तिलक जी, हाँ तिलक जी ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है तिलक जी? क्या रशिया और यूक्रेन के वार के कारण ईरान पे सेंक्शन है, उसका तेल आता नहीं है सर। रूस से हम $60 प्रति बैरल ले रहे हैं, शुरू किया $60 प्रति बैरल ले रहे हैं। हम अपने फ्यूचर रिजर्व को भी देख करके चलेंगे, अच्छा फ्यूचर रिजर्व को भी देख करके चलेंगे, क्योंकि जो जो हालात युद्ध के बने हुए हैं सर, आपने कहा तो गौरव जी विश्व में चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो मिडिल ईस्ट हो, गौरव जी कहीं से भी क्रूड ऑयल जो है वो प्रॉपर आने की स्थिति में, गौरव जी गौरव जी गौरव जी सराहना करनी चाहिए, गौरव सर नियंत्रण करके रखा सरकार ने। ओके आप ये कहने सराहना करनी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि हमने 2 बार एक्सरसाइज ड्यूटी घटाई, ठीक, लेकिन आपने 16 बार एक्सरसाइज ड्यूटी बढ़ाई, ये नहीं बताया सर आपने। देखिए तेलों का जो रेट है हाँ। वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कंपनियां उसको तय करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो रेट होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाता है। आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार देखती है कि जब देखती है एक सीमा से ऊपर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से सरकार हस्तक्षेप करती है, उसको नीचे लाती है, हमारी सरकार ने लाया भी समय समय पर उसको। लेकिन जब चुनाव होते हैं सर, जब चुनाव होते हैं तब एक पैसा नहीं बढ़ता, बस बस ये कैसे होता है? हमारी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, लेकिन चुनाव तो आते जाते रहते हैं और ये अर्थव्यवस्था की बैंक चलती रहती है, और ये लीनियर मोशन में नहीं चलती, ठीक, ये लीनियर मोशन में एक सिंगल रेखा में नहीं चलती। परमवीर जी क्या विपक्ष एक मिनट, अगर वाकई महंगाई होती, वाकई बेरोजगारी होती, वाकई अगर जैसा बता रहे हैं ओंकार नाथ जी और प्रशांत जी की त्राही माम, तो जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर तो वोट देती है, तो फिर जनता बीजेपी को क्यों चुनती? उत्तर प्रदेश देखिए, आप देखिए लोकसभा के चुनाव हुआ ना, जनता ने किसको चुना? अगर ये वाकई चुनावी मुद्दा है, मैं मान गया ओंकार नाथ जी की बात और प्रशांत जी की बात। शिलक जी देखिए, अगर आप भारत की इकोनॉमी से जोड़ते हुए राजनीति को जोड़ के देखिए आपस में हाँ। तो जनता ने महंगाई के मुद्दे के ऊपर सरकारों को हटाया है हाँ। लेकिन ये पूरी तरीके से एक निर्णायक वोट बन जाए कि एक निर्णायक बन जाए कि आप इस बेहद को सरकार बनाएंगे, ऐसा कमी होता है पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा ओंकार नाथ जी, आप दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बोलिएगा, क्योंकि आप ना बहुत, मैं आपके इसलिए कायल हूं क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं कि हाँ गलत है तो गलत है। चुनाव में महंगाई मुद्दा होती है? दिल पर हाथ रख के बोलिए। बिल्कुल होती है महंगाई मुद्दा, होती है चुनाव में महंगाई मुद्दा बिल्कुल होता है। तो फिर 2019 में तो जनता ने आपको नकार दिया, यही मुद्दा था ना, नकारा ना 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नकारा, 2022 के चुनाव में भी नकारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुद्दा होता है। होता है ठीक प्रशांत जी, महंगाई मुद्दा होता है, महंगाई मुद्दा होता है, लेकिन एक और चीज मुद्दा होती है तिलक जी हाँ। आप जैसे पत्रकार निष्पक्ष नहीं है ना इस देश में, बड़े बड़े चैनल के दलाल बैठे हुए, अगर आप जैसे 10 लोग मिल जाए तो महंगाई पर ही चुनाव हो जाएगा, इसी पर निर्णय हो जाएगा, लेकिन जो खरीद के बैठे हुए मोदी जी ने वो बात करते ही नहीं, वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भुखमरी है, वो तो कहते हैं कि चाइना घंटे खत्म कर दिया, वो महंगाई की बात ही नहीं करते हैं। आप एकमात्र ऐसे एंकर हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं, मैं आपके ऊपर तारीफ नहीं कर रहा लेकिन सच बोल रहा हूं कि आपने इसको मुद्दा समझा, आप आज अहम टाइम लेकर आए तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो हमारे बड़े चैनल खोल करके देख लीजिए, अगर एक भी चैनल पर नमो के अलावा कहीं महंगाई का नाम भी बोला जा रहा, तो मीडिया भी जिम्मेदार है कि वो चर्चा महंगाई की होने ही नहीं देती है। महंगाई का माँ कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा महंगाई का माँ, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, लेकिन चलते चलते गौरव जी लाइव में कमेंट आ गया, वही वाला कमेंट है, वो एक उसके साथ उनका अलग संदर्भ है कहने का, मतलब संदर्भ वही है लेकिन बात को कह रहे हैं कि टमाटर हुआ लाल, एक हफ्ते में ही दाम 100 के पार, क्या गौरव जी टमाटर खाते हैं कि नहीं? लगी देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो 30 वर्ष लगभग 27 वर्ष तक महंगाई की दर कांग्रेस के शासन में 28% थी, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो 2 साल तो इसके लिए भी नेहरू जी बता रहे हैं क्या सर? मैं बता रहा हूँ, अब तक क्या है तो मतलब नेहरू जी बता रहे हैं,
महंगाई को कम किया। अटल जी चलिए थैंक यू, थैंक यू गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो महंगाई को लेकर सियासत इस वक्त चरम पर है, टमाटर लाल है, महंगाई विकराल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।